गांव बिवाना में सदियों से बड़े शौक से मनाया जाता है सप्तमी व बेटी का त्यौहार, जिसमें बेटियों के साथ भेदभाव किया जाता है और उन्हें इस त्यौहार से वंचित किया जाता है। पुराने परंपराओं के चलते आज भी हमारे समाज में पितृसत्ता हावी है। और मैं गायत्री, मैं ये मेरा समुदाय, आज त्यौहार रहा बहनी बेटवा के। तो बेटवा के त्यौहार रहा, हमें कौन बात रही दीदी? आज बेटवा के त्यौहार है और बेटवा बाटे ना हमारे चार बिटिया हैं। हाँ शीतलहट पहरावे के रहा बहन। हाँ ना पहनावे दीहन के ना पहनावे दीदी हमारे देवरान। जैसे आपका कौन परेशानी होते बेटवा ना है? अरे टेंशन तो होबे करत बहन, जब सब गाँव देश सब ताना मारत है, देवर जेठ ताना मारे, देवरान ताना मारे। अपने कई लड़कियाँ हैं? तीन थी बेटवा, एक थी बेटी है। हाँ आप खुश हो? हाँ खुश है। आज कौन त्योहार रहा दीदी? आज सप्तमी रहा, बेटवा पूजा है। नहीं बेटवा बड़ा भूखा रहे, दिन भी भूखा रहे, रात के चढ़ाए। अच्छा दीदी, आज के त्योहार से लड़की लड़की में भेदभाव कर हो था का? ई बहनी बेटवा व्रत बिटिया के पहनाए के ना चाहिए। ई बिटिया के लिए त्योहार ना है? बेटवा के त्योहार है, बिटिया के ना है। अच्छा। मेरा नाम सोनम है, दवाना गांव में मेरा घर है और पांच बहन है, एक भाई है, माता है और पिता का मृत्यु हो गया है। आज त्योहार है और वही मनाया जा रहा है, भाइयों का त्यौहार है और उसमें हम लोग को शामिल नहीं किया जाता। और जो है भाइयों को लॉकेट पहनाया जाता है शादी का, और हम लोग सोचते हैं हमें भी मेरे पहनने के लिए, लेकिन हमें पहनाया नहीं जाता और हमें लोग को अच्छा नहीं लगता। हम सोचते हैं आज हम भी लड़के होते तो हमें भी वो सम्मान मिलती। मैं वीडियो इसलिए बनाना चाहती हूँ ताकि हमारा वीडियो देखने वाले श्रोतागण कला और संस्कृति को बनाए रखें और उसके संस्कृति के अंदर जो भेदभाव है उससे खत्म किया जा सके और हमारी बेटियां खुशहाल रह सकें। मैं अपील करती हूं कि हमारे वीडियो देखने वाले श्रोतागण से इससे हमें मदद मिलेगी और मैं इसमें बदलाव जरूर ला सकती हूं। मैं गायत्री, उत्तर प्रदेश, जनपद अम्बेडकर नगर, इंडिया, अनहट के लिए।